नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है। आज हम भावनगरी गाठिया बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और प्रसिद्ध गाठिया है। एक बार बनाकर रख लें और लंबे समय तक खाते रहें। इसके लिए हम सबसे पहले बेसन से डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम गरम तेल का यूज करेंगे। तो हम तेल गरम कर लेते हैं। हमने आधा कप तेल लिया है, इसे गरम कर लेते हैं। हाथ पर अच्छी हीट आ रही है, तेल गरम हो गया है। गैस बंद कर देते हैं और गरम तेल में हम 1.5 छोटी चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, इनको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये तेल हम बेसन में डाल देंगे। एक छोटी चम्मच अजवाइन, इसको हम थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेते हैं। एक पिंच हींग डाल देंगे और 1.5 दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हैं। ये तेल मसाले सारे मिल चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा और सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमने बेसन को बाइंड कर लिया है, लेकिन हमें भावनगरी गाठिया के लिए बेसन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना होता है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे सॉफ्ट करते जाएंगे मसल मसल कर। वैसे तो डो लगाने के लिए हाथ से आटा गूंथते हैं, लेकिन चम्मच से भी आसानी से इसे गूंथा जा सकता है। तो मैं इसे चम्मच से ही गूंथ रही हूँ। ये हमने बहुत ही सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया और इतना डो बनाने में 1/4 कप पानी लगा है। 1 कप पानी लिया था, 1/4 कप पानी बच गया है। हमने डो को पूरे 10 मिनट तक फेंट कर तैयार किया है। गाठिया बनाने के लिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। ये हमने मोटे सेब वाली जाली ले ली है और इसको हम मशीन में फिक्स कर लेंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर हाथ को चिकना करें और थोड़ा सा डो हम निकालें और उसे इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में शेप देते हुए मशीन में डाल दें। मशीन को बंद कर देते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। गाठिया तलने के लिए हमें तेल मीडियम हाई गरम चाहिए, गैस मीडियम हो। तेल गरम हो गया है तो हम गाठिया बनाना शुरू करते हैं। जितने गाठिए कढ़ाई में आ जाए उतने हम इसमें डाल देंगे। जब इसमें झाग कम हो जाए तब हम इन्हें पलट देंगे। ये सिक्कर हमारे तैयार हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। कलछी को कढ़ाई के किनारे रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में चला जाए और गाठियाँ निकालकर प्लेट में रखेंगे। सारे गाठिए इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। सारे गाठियाँ हमने तलकर तैयार कर लिए हैं और एक बार के गाठियाँ तलने में लगभग 2 मिनट लग जाते हैं। भावनगरी गाठिया बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी गाठिया बने हैं। पूरी तरीके से ठंडे होने के बाद इन्हें तोड़कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे 2-3 महीने तक खाते रहें। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसका डो बनाएंगे तो डो को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना जैसा कि पकौड़े का होता है, और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, एकदम सॉफ्ट, चपाती के डो से भी ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। तलते समय ध्यान रखना है कि तेल मीडियम हाई गर्म हो, गैस मीडियम हो, और आप इसे बड़ी आसानी से तलकर तैयार कर लेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव निशामधुलिका.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।